दीपावली के दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्य सम्राट विधायक सुनील राणे द्वारा लगातार 3 वर्षों में किए गए कार्य अहवाल का भव्य आयोजन मुंबई के बोरीवली प्रबोधन ठाकरे हाल में किया गया। इस कार्य संकल्प थी के दौरान लगातार लोगों को उनको द्वारा 3 वर्षों में किए गए कामों की सराहना की गई। इस सराहना के पीछे भारतीय जनता पार्टी के मुंबई अध्यक्ष आशीष सेलार सहित कई मंत्रीगण भी मौजूद हैं। मुंबई में दिवाली के त्यौहार रहते हुए भी इस तरह की भीड़ इकट्ठा होना एक बड़ी बात होती है। खास बात यह है कि सुनील राणे जिस तरह से लगातार अपनी विधानसभा में काम करते आए हैं, उनके कामों की सराहना हर कोई सुनना और जानना चाहता है। यही मौका है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और वह सांसद गोपाल सेट्टी ने उनका शॉल श्रीफल देकर, माँ भगवती की तस्वीर देकर उन्हें सम्मानित किया। खास यह बात यह रही कि सुनील राणे का स्वागत स्थानीय विधायिका मनीषा चौधरी ने भी शॉल श्रीफल देकर किया। मुंबई बोरीवली में लगातार 3 वर्षों से लोगों को काम करने वाले विधायक सुनील राणे लगातार लोगों की सेवा में अनवरत जारी रहते। यही वजह है कि मुंबई अध्यक्ष आशीष सेलार ने उन्हें मिस्टर इंडिया की उपाधि दे दी। दरअसल सुनील राणे कब किसका काम करते हैं किसी को पता नहीं लगता। यही वजह है कि उनका नाम जो है कहीं कहीं मिस्टर इंडिया के तौर पर भी जाने जाना लगा है। क्या कुछ कहती है इस तस्वीर आपको दिखाते हैं सुनाते हैं। या अभिनव संकल्पनेतून मतदारांचे प्रश्न जाणून ते सोडवणे, मैदानांचं सुशोभीकरण, तलावांचं पुनरुज्जीवीकरण, नवीन रस्त्यांची कामे अशा सर्वांचा सत्कार त्यांनी करावा आपल्या शुभ हस्ते करायचा आहे। देऊन आपल्या आमदारांचा सत्कार इथे होत आहे। टाळ्यांच्या गजरामध्ये सन्माननीय आमदार श्री सुनील राणेजी यांचा सत्कार करणार आहोत। आज दिवाळी पहिला दिवस दिवाळीचा आणि लक्ष्मी पूजन सर्व लक्ष्मी इथे आलेल्या आहेत, सर्व लक्ष्मी इथे आलेल्या आहेत, त्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार। मी पुढील कार्यक्रमासाठी मंडळ अध्यक्ष सुरेंद्र गुप्ता यांना इथे आमंत्रित करते। थँक्यू। ओके, इस वर्ष या अगले वर्ष तो होंगे ही होंगे। भारतीय जनता पार्टी की सनाते जैसे हमारे सम्माननीय मुंबई के अध्यक्ष श्री आशीष शेलार जी ने बताया कि महानगर पालिका का ये लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी के सामने एक चुनौती है और पिछले 2017 के चुनाव में हमने 35 से 82 तक छलांग लगाई थी। इस बार 82 से छलांग 150 तक लगानी है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता प्रेरणादायी विचार लेते हुए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच को लेते हुए आधुनिक भारत की कल्पना, ये भारत एक नया हो, शक्तिशाली हो, गौरवशाली हो और भारत के नागरिक, महाराष्ट्र के नागरिक और मुंबई के नागरिकों को आधुनिक भारत के साथ साथ सोई सुविधा मिले, अच्छे रास्ते मिले, अच्छे शिक्षा मिले, अच्छे स्कूल हो, आरोग्य अच्छा रहे, इसके लिए अच्छे अस्पताल हो, अस्पताल शिक्षा ये साथ साथ चलने वाला काम है और इसके लिए ये सब कामों का पूर्ण होने के लिए महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का महापौर हो ऐसी संकल्पना और कल्पना लेके हम सभी लोग काम कर रहे हैं और विजय आने वाले समय में निश्चित है। ये हमारी कल्पना नहीं, ये वास्तविकता है। इसके लिए दीपावली के शुभ अवसर पर सभी नागरिकों को ये दीपावली आनंदमय, सुखमय, आरोग्यदायी हो ऐसी शुभेच्छा और शुभकामना मैं सबको देता हूँ। सुनील जी, इसके अलावा आशीष जी ने आपको एक नया नाम दिया है मिस्टर इंडिया का, उसको किस तरह से देखते हैं? आशीष जी मेरे मित्र है, आज नहीं लगातार 25 वर्षों का पार्टी का नाता हमारा है और हम वो कार्यकर्ता है कि पार्टी जब सत्ता में नहीं थी तो भी हम पार्टी के लिए लड़ते थे, हम विधायक नहीं थे
लड़ते थे, गिरते थे, पराभव सहन करते थे, आलोचना सहन करते थे, अपमान सहन करते थे, लेकिन अभी कभी पार्टी की निष्ठा हमने छोड़ी नहीं। पार्टी सत्ता में आए ना आए, हम पार्टी के वो कार्यकर्ता है जो पार्टी आगे चले, पार्टी के साथ लोग चले और ये देश आगे बढ़े, इसके लिए हम काम करते हैं। मिस्टर इंडिया को उन्होंने उपमा दी है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा काम वैसे भी करता हूँ, कहाँ जाता हूँ कहाँ आता हूँ किसी को मालूम नहीं रहता है। इसके लिए आप सबको, इसके लिए सभी लोग काम करते हैं, ये सामाजिक काम है। और राजनीति में फटाके तो फोड़ते ही है और फटाके तो फूटते ही है, महानगर पालिका के फटाके भारतीय जनता पार्टी इस बार फोड़ेगी।